हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बताएंगे कॉपीराइट इमेज। दोस्तों हमने जैसे वेबसाइट बना लेते हैं और गूगल से हमको जो भी इमेज डाउनलोड करके हम लोग सीधा सीधे क्या करते हैं, अपना ब्लॉग पोस्ट के फीचर इमेज में यूज कर देते हैं। हम उसकी मेटा डेटा चेंज नहीं करते, हम उसकी कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा वेबसाइट जैसे थोड़ा बहुत रैंकिंग हो जाता है, जैसे वेबसाइट थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगता है, तब हम क्या करते हैं, हम लोग गूगल एडसेंस के लिए मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारा गूगल एडसेंस क्या करता है, उस टाइम हमारा एडसेंस नहीं देता और ऐसे इशू भी नहीं है आपको पता लगने देता है जो आपके साइड में किस प्रॉब्लम से डिमोनेटाइज हो गया। आपके वेबसाइट मतलब ट्रैफिक भी ठीक ठाक आ रहा है, आपकी इमेज भी ठीक है, आपका ब्लॉग पोस्ट ठीक है, आपके सही से एसईओ किया है, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है नहीं पता चलता। दोस्तों मेन प्रॉब्लम पता क्या होता है, अपनी यूनिक कंटेंट लिखा। बहुत बंदा मेरे को इंस्टाग्राम में कॉमेंट करता है जी मैंने यूनिक कॉन्टेंट लिखा लेकिन बट मेरा वेबसाइट मोनेटाइज नहीं हुआ, ट्रैफिक भी ठीक ठाक आ रहा है, सब कुछ ठीक है, उसकी इमेज का प्रॉब्लम हो जाता है। इमेज क्या करता है, इमेज का मेटा डेटा चेंज नहीं करता, इमेज डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर लेता है और इमेज की प्रॉब्लम से बहुत प्रॉब्लम होता है, बाद में उसकी मेहनत पूरा बेकार हो जाता है। तो आज बताएंगे आप गूगल से कैसे इमेज को बिना कॉपीराइट का डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी इमेज नहीं मिला वहां पर तो आपकी ऑल्टरनेटिव क्या है, आपकी इमेज कैसे बना सकते हो, एंड टोटल वीडियो बताएंगे। जो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड मैं अभी डेस्कटॉप की स्क्रीन में मैं बता देता हूं, आपको गूगल से कोई भी इमेज लेना है, कौन सी इमेज ले सकते हो, अगर उसमें से नहीं मिला वो भी कौन सा ले सकते हो। जैसे मैंने गूगल में कुछ भी टाइप करता हूं जैसे, सो फ्रेंड मैंने जो गूगल में गया और सर्च किया लॉर्ड शिव, तो ऑल में आपको यहाँ जाके आपको क्या करना है, जैसे लॉर्ड शिव मैंने डाला, मेरे को लॉर्ड शिव का इमेज चाहिए, तो मैंने इमेज सेक्शन में गया और बंदा क्या करता है यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज कर लेता है। बहुत सारी इमेज में एकदम सीक्रेट छोटा सा वॉटरमार्क हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, और बहुत सारी इमेज में आपके लाइसेंस मिले, इसमें सारे इमेज आपको लाइसेंस है। जैसे मैंने इस वाला इमेज को ओपन करता हूँ, देखो इसका प्राइस है 177 रुपए इन स्टॉक है इमेज को। अभी राइट क्लिक करके यहाँ से आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी कॉपीराइट इशू होगा, आपकी बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अगर यूज करना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको एक तो तरीका है, जैसे आपको टूल सेक्शन में जाना है, टूल सेक्शन में आपको जाने के बाद यहाँ देखिए यूज राइट्स है, आप यहाँ से जाके आपके क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ले सकते हो या क्रिएटिव कॉमन अदर्स ले सकते हो। तो क्रिएटिव कॉमन्स अगर मैंने यहाँ डाला तो देखो मेरे सामने जो इमेज आएगा मेरे मन पसंद नहीं होगा, मतलब आप जो इमेज मतलब सिलेक्ट कर रहे हो वो आपकी पसंदीदा नहीं होगा, ये आपकी इमेज शायद पसंद ना आ जाए। ये इमेज आप यूज कर सकते हो लेकिन आपकी पसंद का जो है वो है फर्स्ट वाला है। तो मेरे को ऑप्शन क्या है जिस टाइम में मैं हर इमेज को यूज कर सकता हूँ, देखो इसके लिए मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको बताता हूँ, कैनवा। मैं आपको कैनवा के बारे में इससे पहले बता, कैनवा फ्री में आपको नहीं मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन बता देता हूँ। तो मेरे पास कैनवा प्रो है, आप कैनवा प्रो यूज कर सकते हो फ्री में, आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, लेकिन रीजन ये है अब कैनवा में कैसे यूज करना है। मैं जैसे मैं अगर कोई मेरे को थंबनेल चाहिए, मतलब मेरे को कोई इमेज चाहिए, तो मैंने जो साइज लेता हूँ वो है 1200x628 पिक्सल का है। तो इसमें देखो मैंने अगर यह टाइप किया, यहाँ अगर मैंने टाइप किया लॉर्ड शिवा, देखो इसमें बहुत सारे इमेज आपको मिल जाएगा लेकिन इसमें सारे प्रो है, एक भी फ्री नहीं मिल जाएगा आपको, ये सारे कॉपीराइट फ्री है और आप अब इसको आराम से यूज कर सकते हो। जिसमें मैंने आपको ये यूज करके बताता हूँ, देखो ये सारी प्रो इमेज है लेकिन आपकी कैनवा अगर परचेस करना है 500 रुपीज का मंथली पड़ जाता है, लेकिन हमको जब स्टार्टिंग होता है 500 खर्चा नहीं करना चाहता, इसके लिए ऑप्शन है आप फ्री यूज कर सकते हो, लेकिन फ्री में आपको ऐसी इमेज नहीं मिलेगा। कैनवा भी आपका ऑप्शन है, आपको 200 रुपीज, आपके बहुत सारे ऐसे ग्रुप टूल्स है जिसमें 70-80 रुपए में आपको एक महीना यूज करने को मिल जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, जिसको मान के चलो फ्री कम्प्लीटली फ्री यूज करना है वो अपने टेक्स्ट टू एआई टूल यूज कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, तो ऐसे आप अगर गूगल में सर्च करते हो टेक्स्ट टू इमेज एआई फॉर फ्री, लेकिन 90% केस में सारे एआई जो सॉफ्टवेयर होता है फ्री नहीं होता, कुछ हद तक आपको फ्री देगा बाकी आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने अभी अभी एक क्रिएट किया, जैसे कि एफिंग एआई है, ये थोड़ा बहुत फ्री आपको क्रेडिट मिल जाता है, इसमें आपको मैंने लॉर्ड शिवा टाइप किया तो इस टाइप का इमेज दिया, शायद आपको इस टाइप का इमेज पसंद नहीं आए, तो इसलिए एआई टूल मेरे को पसंद आता है, लेकिन जैसे मिड जर्नी वगैरह आता है लेकिन उसमें भी आपके मनपसंद का इमेज शो नहीं होगा। तो अगर हमने सारे ऑप्शन, अगर कैनवा मेरे पास नहीं है, अब मेरे पास कोई एआई टूल नहीं है, तो गूगल का इमेज को कैसे यूज़ करना है इस बारे में बात करेंगे। तो मेरे को फर्स्ट में मैंने कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको इसकी पहले कॉपीराइट फ्री कैसे बनाना है कोई भी इमेज को ये मैं बता देता हूँ। तो मेरे को कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, तो इसको मैंने राइट क्लिक करके पहले सेव एज ए इमेज कर लेना है। ये जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है,
मैं डाउनलोड फाइल में जाऊंगा तो मेरे पास ये इमेज आ चुका है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये इमेज आ गया। अभी ये मेरे को कॉपीराइट फ्री कैसे बनाना है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। सारे ऑप्शन मैंने बता दिया, सारे ऑप्शन लगभग मैंने बता दिया, उसमें से मैंने अभी बताऊंगा कि कॉपीराइट फ्री कैसे बनाना है। अभी सबसे बड़ी बात, इसको राइट क्लिक करके इसमें न्यू टैब में ओपन करना है विद पेंट, ओपन विद पेंट में जो आप पेंट होता है ना, जो उसमें से पेंट बनाना है। तो इसमें आपकी एक क्रेडिट क्रिएट करना है, कैसे मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपकी एक डॉट लगा देना कहीं पे, जैसे मैंने एक डॉट लगा देता हूँ, जो इस एरिया में एक दो तीन डॉट लगा देता हूँ। डॉट लगाने से इमेज का जो चेंज हो गया, मैंने एडिट कर दिया इस इमेज को आप एडिट कर दिया, थोड़ा सा एडिट कर दिया। उसके बाद सेव एज फाइल में जाके मैं इसको सेव एज जेपीजी में कर सकता हूँ, उसके बाद पीएनजी में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसको पीएनजी में कन्वर्ट, यहाँ मैंने इसका फाइल नेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ और जेपीजी से मेरे को पीएनजी में कन्वर्ट होगा, मैं इसको सेव कर दूंगा। तो मेरे पास दो इमेज है, फर्स्ट मैंने जो डाउनलोड किया था, और इस इमेज में कोई फर्क नहीं, जस्ट ए जेपीजी में होगा, ए पीएनजी में है, ए जेपीजी में है, तो इतना चेंज हो गया। तो मैं फर्स्ट वाला इमेज जो मैंने डाउनलोड किया था उसको मैंने डिलीट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक यूनिक इमेज आ गया। अभी बात ऐसा है, इस इमेज का मेटा डेटा चेंज करना है, तो इसको राइट क्लिक करना है, उसके प्रॉपर्टी सेक्शन में जाना है। अभी देखता है इसमें डिटेल्स में जाना है, डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ डेट चेंज कर सकते हो, यहाँ डेट चेंज कर देना आपको, ये डेट चेंज कर देना। उसके बाद सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से इस इमेज को एक बार मेटा डेटा चेंज कर कंप्रेस कर देना। तो मेरे पास एक टूल से, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास टूल से इमेज कंप्रेसर, जैसे मैंने इमेज कंप्रेसर एक वेबसाइट है, इसमें जाके इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने यह इमेज कंप्रेसर में डाला और जो इमेज मैंने अभी क्रिएट किया उसको मैंने अपलोड कर दिया इसमें। तो इसमें टोटल 380 केबी का, लगभग 127 केबी के आसपास पहुंच गया। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं, जैसे मैंने डाउनलोड कर लेता हूं तो ये इमेज कम से कम 90% यूनिक बन चुका है, इमेज 90% यूनिक बन चुका है। तो मैं फर्स्ट वाला डिलीट कर देता हूं, इमेज क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। अब इसको राइट क्लिक करना है, इसको प्रॉपर्टी सेक्शन में जाना है और डिटेल्स देखो यहाँ चेंज कर सकते हो, यहाँ डेट चेंज कर सकते हो, उसमें जैसे जनरल में जाता हो इसका रीनेम चेंज कर सकते हो। तो इसके सारे मेटा डेटा चेंज कर देना है, जैसे डिटेल्स में ये चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ क्या करना, रिमूव द पर्सनल एंड रिमूव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ जाके आप सब कुछ जैसे या क्रिएट कॉपी द पॉसिबल रिमूव ऑल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फाइल, यहाँ जाके क्लिक करने के बाद यहाँ सिलेक्ट ऑल करना, सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, इलेक्ट ऑल करने के बाद इसको ओके कर देना, तो इसके सारे मेटा डेटा उठ जाएगा। उसके बाद इसकी क्या करना है, रीनेम्स को चेंज करके आराम से इस इमेज को यूज कर सकते हो, कभी भी आपकी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, 100% इस इमेज में कभी भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मैं हर ऑप्शन के बारे में आपको बात किया, जो गूगल से अगर आपको इमेज लेना है तो कैसे किस तरीके से लेना सकते हो, अगर नहीं ले पाता आपको मोबाइल से काम कर रहे हो तो आपको किस तरीके से मतलब एक्सेप्ट करना है, कौन सी तरीके से आपको एक इमेज को यूनिक बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना।